मैं ग्यारह भदौरिया ठाकुर चाहे तो वही राज आए। अगर आप वही राज लाना चाहते हो तो समझो सर, नहीं लाना चाहते हो, आज़ादी से कहीं भी रहना चाहते हो, कोई भी धर्म अपनाना चाहते हो, कोई भी भाषा लगना पढ़ना चाहते हो, कहीं भी जमीन जायदाद खरीदना चाहते हो, जो आपका संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप सबको अधिकार दिया है, न कोई अब आप सोच लो। इसलिए बार बार हमारे सब नेता मंच में बैठे बैठे बार बार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। और खतरे में इसलिए है कि जब तो आज से आठ साल पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो जो हमने बताए थे रावण के पुत्र थे, रावण जिंदा रावण ने हम तो नाम नहीं लेते, कोई है इनके आरएसएस के, उन्होंने आह्वान किया कि अब समय आ गया है, अब समय आ चुका है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। जे भाई जे नेता ने आरएसएस के किसी बड़े नेता ने नाम बहुत लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आप लोग पता कर लेना। उन्होंने कहा था अब सब जो आप उन्हें अखबार ध्यान दिया तो दलित भाई पिछड़े अगड़े सब से इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जो तो आरक्षण खत्म कर रहे, सब लोगों ने मिल के कहा हो गया, वैसे भाजपा वो जीत भी जाती, सब ने कहा खतरे में आ गया, तलवार आ गई हम लोगों पे, जो आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र है इसको समाप्त करें। इसलिए सब ने मिल के भाजपा का सपट्टा साफ कर दिया, फट्टा साफ कर दिया। सो इनका बयान आगे बाद में आया, नहीं अब हम खत्म नहीं कर रहे, बोले ऐसे ही हमने गप क्या देगी। अगर तुम्हारी नीयत साफ थी तो भाषण में क्यों बोलते। तो इसलिए कोई खतरा अब लगातार बना हुआ है, अब ज़्यादा है। पहले उनकी सरकार नहीं थी, अब दिल्ली में उनकी सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, देश के आधे राज्यों में भाजपा की सरकार, कई मिलीजुली सरकार भाजपा की। इसलिए अब इस खतरे को आप समझ लो, अपना भला चाहते हो तो। अब जैसे इनने कहा भाई, कई लोगों ने काशी राम जी ने नंगे भूखे रह के चना खा के साइकिल चला के उस आदमी ने बहुजन समाज पार्टी को संगठित किया, एका किया और इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। कई देश के राज्यों में विधायक साथ साथ एक बार 11 विधायक बने थे मध्य प्रदेश में, अब एक आते दो आते। अब मायावती क्या कर रही हैं, मायावती जी ने टिकट देती है कौन को जो सबसे ज़्यादा पैसा दे, परशुराम पंडित जी हैं मुरैना के, वे भाजपा भोजन का टिकट लड़े, टिकट ज़्यादा मायावती ने, एमएलए बन गए और एमएलए बनने के बाद भाजपा में चले गए। हमने कहा पंडित जी जो आ जाता है परिचित वही उम्मीद कर रहे हैं महिलाओं के लिए बैठी हो। मोदी कहते थे बहने हमारी बहने माता बेटियां नकलिया से रोटी बनाए बनाए के आती हो लग लग के धुआ है, ले फ्री में सिलेंडर लकड़िया फेंकी सब चली गई सिलेंडर में आ गई। अब सब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपया 410, अब कोर्मी में 4 महीने पहले सोचे समझे, अचानक से बात पूरे देश पर गवा गई। आज हमारे संविधान बचाने के लिए कहता है तो कहीं आग लगेगी तभी निकले, अगर कहीं धूल नजर आ रहा है
तो समझ लो कहीं ना कहीं आग लगी है। तो समाप्त करने की संविधान को बदलने की, और कब से चालू हुई ये संविधान बदलने की चाल, जब से हुई जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार दिल्ली में 2000 के पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी थी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और कई छोटे छोटे दल उनके साथ थे। राष्ट्रीय आरएसएस, आरएसएस सब लोग नहीं समझते, आज जिस प्रकार पांडव कौरव पांडव थे, रावण दल, तमाम अलग अलग गुंडा दल, तमाम दल अलग अलग नाम से अलग अलग वहां पे कह का कौन आ गए 200 के आसपास, और जो हमारी देश की संपत्ति बेच रहे हैं, जो बरसों से हमारे आज पूर्वज ने बचाया है, जगह जगह संस्थान खोल रहे हैं, इनके नेता सत्ता में आ गए, पूरे खजाने का पैसा लूट कर आरएसएस के स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, व्यापार धंधे खोलने का काम कर रहे हैं, जगह जगह छोटे छोटे लाभ तो छोड़ दो, बढ़ जरा हम लोगों के तमाम भूल डरते हैं, कई जिलों में जहाँ 5-7 हजार की आबादी है वहां भी इनकी 20 करोड़ की संपत्ति हुई, 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ आखिर कहाँ से आया, क्या इनके पास कोई गिरिया है, पेड़ है या सर झरझा मोटर कर दी। तो संविधान बदलने की बात आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, इनके एक सांसद ने सवाल उठाया और चर्चा की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 10 वर्ष के लिए आरक्षण दे गए थे, ये आरक्षण आज 60 साल से क्यों चल रहा है, लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसमें अभी सोचो ऐसा नियम कानून बनना चाहिए कि 10 साल की जगह 60 साल 70 साल। तो संविधान समीक्षा आयोग बनाया जाए, जब ये समीक्षा आयोग बनाए जाने की बात आई सब लोगों में हलचल हुई, और आज मोदी ताना साहेब के रूप में मनमानी तरीके से आए, बदल चल रहा है आरएसएस का संविधान, बदलो अधिकार छीनो कम करो, और वो अधिकार कैसा चाहते हैं, वो चाहते हैं एक राजा शासन को अच्छा चल सकता है जब राजा एक हो, मालिक एक हो तो घर चलता है, जब करता है, इसलिए कोई चुनाव नहीं, केवल एक चुनाव होगा राष्ट्रपति का, जैसा चीन में रूस में हुआ, वो चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन चाहते हैं, राजा था आनंद दे दिया, राजा ने मारो मार सकना, गोली चला दो मार दो, कोई सुनने वाला नहीं, वही राज बनाना धीरे धीरे चाहते हैं, चाहते वही राज आए, अगर आप वही लाज लाना चाहते हो तो समझ जाओ सर, नहीं लाना चाहते हो आज़ादी से कहीं भी रहना चाहते हो, कोई भी धर्म अपनाना चाहते हो, कोई भी भाषा लगना पढ़ना चाहते हो, कहीं भी जमीन जायदाद खरीदना चाहते हो, जो आपका संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप सबको अधिकार दिया है, न कोई